सोने का है शिखर, चांदी में बैठे बाबा विश्वेश्वर, प्रलय भी जिनसे घबराए, चलो ऐसे महादेव की महिमा सुनाए। इन पंक्तियों से ही समझ गए होंगे काशी के नाथ बाबा विश्वनाथ की महिमा का बखान हो रहा है। बी घुमक्कड़ की टीम आज आपको बाबा विश्वनाथ के पौराणिक ऐतिहासिक किस्से कहानियों से रूबरू करवाने जा रही है। अभी पुराने रास्तों से ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन को पहुंचा जा सकता है। जल्द ही श्रद्धालु काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के चारों द्वारों से होकर भी बाबा के दर तक पहुंचने लगेंगे। अगर आप ट्रेन या रोड मार्ग से वाराणसी पहुंचे हैं तो आपको सबसे पहले लहुरी टोला पहुंचना होगा। वहां दूर से विश्वनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार दिख जाएगा। अंदर जाकर आप एक पतली गली से गुजरेंगे जो विश्वनाथ गली के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ मिठाई और पूजा सामग्री की कई दुकानें हैं, जिनसे सामग्री खरीदकर श्रद्धालु बाबा के दर्शनों को जाते हैं। आज मैं पहुंच चुकी हूँ उस स्थान पर जो दुनिया में सबसे पुराने शहरों में गिना जाता। मैं हूँ बाबा विश्वनाथ यानी कि सातवें ज्योतिर्लिंग के बेहद करीब, और यहाँ से मैं आपको आगे लेकर जाऊंगी और हम जानेंगे बाबा के उस अद्भुत रूप के बारे में, उस महिमा के बारे में जिसे देखने के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। ये है काशी विश्वनाथ का गेट नंबर 1। यहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये जो रास्ता है ये दशाश्वमेध घाट से होते हुए आता है। तो अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूँ कि ये दुनिया की का अकेला ऐसा रूप है बाबा विश्वनाथ का जिसमें शिव और शक्ति दोनों साथ में विराजते हैं। ये इकलौता ऐसा मंदिर है। मान्यता है कि शिव की तपोभूमि से पहले काशी भगवान विष्णु की प्रिय नगरी थी। एक कथा के मुताबिक भगवान शंकर ने क्रोधवश ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया जो उनके करतल यानी हथेली से चिपक गया। माना जाता है कि 12 साल तक अनेक तीर्थों में भ्रमण करने के बाद भी वो सिर शिव की हथेली से नहीं हटा, किंतु जैसे ही शिव ने काशी में प्रवेश किया वो सिर अलग हो गया। जहाँ ये घटना घटी वो स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। इस घटना के बाद शिव को काशी इतनी भाई कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु भगवान से अपने लिए मांग लिया। तब से काशी महादेव की तपोभूमि बन गई। विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख महाभारत समेत कई उपनिषदों में मिलता है, लेकिन मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। काशी विश्वनाथ में मुख्य देवता को विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के रक्षक। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पार्वती जी और शिव जी का विवाह हुआ तो विवाह के बाद पार्वती जी अपने पिता के घर रहने लगी, जिसके बाद एक दिन उन्होंने महादेव से कहा कि आप मुझे अपने घर ले चलिए, मुझे मायके में अच्छा नहीं लग रहा, विवाह होने के बाद भी मुझे अपने पिता के घर रहना पड़ता है। इसके बाद शिव जी उन्हें काशी लेकर आए। यहाँ आकर वो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। विश्वनाथ मंदिर के अंदर पहुंचने पर गर्भगृह के अंदर मंडप और शिवलिंग नजर आते हैं जो चांदी के चौकोर वेदी में स्थापित है। काशी विश्वनाथ प्रतिदिन सुबह 2:30 पर खुलता है। पहले सर्वप्रथम गर्भगृह की साफ सफाई की जाती है। इसके बाद पहली आरती सुबह 3 से 4 तक
मंगला आरती होती है। कुल मिलाकर बाबा के दर पर 5 बार आरती होती है। सुबह 11:15 से 12:20 तक भोग आरती पूरी होती है। शाम 7 बजे से 8:15 तक संध्या आरती या कहे सप्तऋषि आरती संपन्न होती है। रात 9 बजे से 10:15 का समय श्रृंगार आरती का वक्त तय है, जबकि 5वीं और सबसे आखिरी आरती रात 10:30 से 11 बजे तक होती है। महादेव के अलावा मंदिर परिसर में ही काल भैरव, भगवान विष्णु और विरूपाक्ष गौरी के मंदिर भी हैं। मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई करीब 15.5 मीटर है, जो दूर से ही नजर आ जाती। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में इस इलाके से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई। हालांकि समय समय पर विश्वनाथ मंदिर मुगल आक्रमणकारियों का निशाना बनता रहा। काशी विश्वनाथ ने वैभव का दौर देखा, तो वहीं आक्रमणकारियों और मुगल शासकों का विध्वंसक रूप भी देखा। इनमें मोहम्मद गौरी, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शासक प्रमुख रूप से रहे। हालांकि जितना नुकसान आक्रमणकारियों ने काशी विश्वनाथ को पहुंचाया है, उतना ही समय समय पर हिंदू शासकों ने इसका जीर्णोद्धार भी किया। मुस्लिम आक्रमणकारी चाह कर भी बाबा विश्वनाथ की महिमा को कम नहीं कर सके, लेकिन फिर भी उन्होंने कई बार बाबा के मूल स्वरूप को जमींदोज करने की कोशिश की। इतिहासकारों के मुताबिक राजा हरिश्चंद्र ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, लेकिन साल 1194 में मोहम्मद गौरी ने हिंदुओं और उनके मंदिरों से नफरत के चलते इसे पहली बार तोड़वा दिया। इसके बाद मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने विश्वनाथ मंदिर को दोबारा क्षतिग्रस्त करवा दिया। इस घटना के बाद मंदिर फिर अस्तित्व में आया। सन 1585 में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, किंतु 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश के बाद पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। उसकी जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, जिसे आज सब ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। इसका विवाद कोर्ट में है। इस वक्त विश्वनाथ मंदिर का जो स्वरूप आप देखते हैं, वो मूल मंदिर के पास बना है। इसका निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 में करवाया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने 1853 में मौजूदा मंदिर के 2 शिखर को 1000 किलो गोल्ड से कवर करवाया। मंदिर का 3रा शिखर आज भी सोने की तरह चमकने की राह देख रहा है। माना जाता है कि मंदिर में खुद महादेव अपनी मर्जी से विराजे, जिनके दर्शनों को आदि गुरु शंकराचार्य, संत एकनाथ, गोस्वामी तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद जैसे लोग पहुंचे हैं। मौजूदा वक्त में भी देश दुनिया से श्रद्धालु यहां हर रोज पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से काशी को अपनाया है, वो भी कई बार काशी विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। कहा जाता है कि काशी में मनुष्य की मृत्यु होने पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। इसीलिए बहुत से लोग अपने जीवन का अंतिम वक्त काशी में ही व्यतीत करने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं पर रहते हैं। काशी को हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल भी माना गया। कहा जाता है कि मनुष्य की मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति हेतु उसकी अस्थियां यहां गंगा में विसर्जित की जाती है। अगर आप वाराणसी आने का प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ पहुंचना बहुत आसान है। रोड, ट्रेन और वायु मार्ग से वाराणसी पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। वाराणसी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से विश्वनाथ मंदिर की दूरी करीब 4.5 किलोमीटर है। अगर आप प्लेन से काशी आ रहे हैं, तो आपको बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरना होगा। वहाँ से करीब 25 किलोमीटर का सफर तय करके काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँचा जा सकता है।